हेलो दोस्तों, आज के डेट में मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी देखी गई है। अराउंड दोस्तों निफ्टी ने 500 पॉइंट का जंप मारा है, तो क्या हमें इस टाइम में ख़रीदारी करना चाहिए, वो भी जम के? तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको नहीं ख़रीदना चाहिए। जो ये मार्केट ने अभी बाउंस बैक मारा है, ये दोस्तों शॉर्ट रिकवरी है, ठीक है? फिर मार्केट गिर जाएगा, तो आपने अगर ख़रीदा है तो मेरे हिसाब से मैं आपको बोलूँगा नहीं ख़रीदना है, नहीं ख़रीदना है, अभी भी नहीं ख़रीदना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि सेंसेक्स में अच्छा खासा देख लीजिए जंप देखने को मिला है 1600 के आसपास। निफ्टी में भी आपको अच्छा खासा जंप मिला है देखने को, तो इस वजह से मैं आपको बोलूँगा नहीं ख़रीदना है, क्योंकि दोस्तों अभी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकला है। बस मार्केट में आपको शॉर्ट रिकवरी देखा जा रहा है, जैसे कि लास्ट टाइम आपको देखा गया था। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट रिकवरिंग जो है मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है? अभी मार्केट कहाँ तक गया था दोस्तों? मार्केट चला गया था 7900 के आसपास, ठीक है? 7900 के आसपास मार्केट गया था यहाँ पर, ठीक है? अभी कहाँ मार्केट चल रहा है दोस्तों? 8700 के आसपास। हाईएस्ट कहाँ का मारा है? 8900 के आसपास, ठीक है? हाईएस्ट मारा है 8900, ठीक है? तो ये जो रिकवरी मारा है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये आज का। अभी चलिए देख लेते हैं दोस्तों कुछ दिन पहले, ठीक है? कुछ दिन पहले, ज़्यादा दिन नहीं दोस्तों, कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें, ठीक है? तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, मार्केट ने यहाँ लोअर सर्किट मारा था। कहाँ तक मारा था? 8500 के आसपास मारा था दोस्तों, ठीक है? 8500, ठीक है? 8500 के बाद दोस्तों ये लोअर सर्किट था, ठीक है? ये लोअर सर्किट था। उसके बाद दोस्तों मार्केट ने एक छोटा सा बाउंस बैक मारा था शॉर्ट रिकवरी के तौर पे, और गया था कहाँ? 10,000 तक चला गया था दोस्तों, ठीक है? 10,000 तक चला गया था, 10,000 को भी क्रॉस कर दिया था। उसके बाद फिर देखिए मार्केट ने क्या किया दोस्तों, निचले स्तर को छुआ कि नहीं, ठीक है? यहाँ जो ये पॉइंट था जो आपके सामने ये जो दिख रहा है दोस्तों, इसको भी मार्केट ने क्या किया, तोड़ दिया। ये लेवल को भी तोड़ने के बाद, 8500 को लेवल को तोड़ने के बाद मार्केट कहाँ चला गया दोस्तों? 7900 के आसपास, ठीक है? ये देख लीजिए 7900 के आसपास, ठीक है? तो ये जो आपको हरियाली दिख रही है ना, ये जो आपको हरियाली दिख रही है ना, ये हरियाली आपको भड़काएगी, ठीक है? मार्केट देखिए अगर वो एक ही तरह से चलना स्टार्ट करे, एक ही दिशा में, मतलब कि डायरेक्शन उसका बस डाउन सर्किट ही रहे, तो दोस्तों लोग खरीदेंगे ही नहीं। तो मार्केट का चाल क्या है दोस्तों, मतलब सब लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है? क्या होता है, थोड़ा ऊपर जाएगा दोस्तों शॉर्ट रिकवरी, फिर नीचे चला जाएगा। तो ये फर्स्ट वाले लेवल को तोड़ दिया इस बार, ठीक है? फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा दोस्तों, फिर क्या करेगा, फिर ये नीचे वाले लेवल को तोड़ देगा। ऐसे ही जब मार्केट गिरेगा तो, ठीक है, तो ये क्या होता है, शॉर्ट रिकवरी होता है। तो मेरे ख्याल से, ठीक है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों, इस टाइम भी आपको खरीदना नहीं है। आज की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमें अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिली है। इंफ्राटेल में अराउंड 22% के आसपास, ओएनजीसी में 17%, गेल में 16%। देखिए अच्छा खासा जो है आपको यहाँ पर बाउंस बैक देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों एक अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, जो लूज़र्स है, लूज़र्स में केवल 1, 2, 3, 4, निफ्टी में केवल 4 हैं, बाकी सब गेनर है दोस्तों, बाकी सब गेनर हैं। लूज़र में ओनली 4 हैं, जो बहुत कम है, ठीक है? तो ये क्या है, अभी भी देखिए मैं ये तो बोलूंगा दोस्तों, मार्केट जैसे ही अपर सर्किट में जाना स्टार्ट करेगा तो आपको बहुत, मतलब ऐसे ऐसे स्टॉक अगर खरीद भी लोगे कैसे भी, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसको मार्केट की वजह से वो गिर चुका है, मार्केट की वजह से वो गिर चुका है इंटेंशनली, ठीक है? वो गिरना नहीं चाहिए था, कोई वजह नहीं, तो मार्केट की वजह से जब गिरा है, तो मार्केट जब दोस्तों अपर सर्किट में मारेगा तो ऑटोमेटिक जो है शेयर का प्राइस ऊपर में चला जाएगा, ठीक है? तो ये जो रिकवरी थी दोस्तों किसी भी स्टॉक में, इंफ्राटेल देख लिए बहुत ज्यादा गिर चुका दोस्तों, 250-300 का शेयर हुआ करता था इंफ्राटेल, और आज के डेट में कहां पर है देख लीजिए दोस्तों, 150 के आसपास, 150 से भी नीचे चला गया था, तभी तो आज 22% का जो है अपर सर्किट मारा गया है। तो मेरे ख्याल से अभी भी आपको वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशनल लगा, और एक चीज मैं बताता हूं दोस्तों, निफ्टी में आज थोड़ा बहुत तेजी क्यों था, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है? दोस्तों निफ्टी में तेज़ी इसलिए था क्योंकि कुछ बड़े इन्वेस्टर हैं, वो ट्रिलियन, मतलब कि बिलियन ट्रिलियन ऑर्डर, मतलब बहुत बड़ी रकम जो है मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत बड़ी रकम। और ये न्यूज़ के दम पे दोस्तों मार्केट ने थोड़ा सा शॉर्ट रिकवरी लिया, और दोस्तों मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है, हम उतना सोच भी नहीं सकते, हमारा मतलब दिमाग भी वहाँ तक काम नहीं करता, उतना पैसा दोस्तों ट्रिलियन डॉलर में चला जा रहा है, वो भी डॉलर में, ठीक है? तो उसके वजह से दोस्तों मार्केट को थोड़ा सपोर्ट मिला। और एक चीज़, वो क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो दोस्तों इसलिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि मार्केट अब जो है उनको अच्छे पॉइंट पे मिल रहा है। देखिए मार्केट कहां से कहां तक जा सकता था, ठीक है, दिखाता हूं आपको,
बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो क्यों क्यूरियस हैं अभी इन्वेस्ट करने के लिए दोस्तों, इसलिए क्योंकि मार्केट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ऑल टाइम हाई कितना है दोस्तों, 12,250 के आसपास है। ठीक है, अभी मार्केट कहाँ चल रहा है दोस्तों, 8,000 से भी नीचे गया है, मान लीजिए 8,000। तो दोस्तों 3-4,000 टूटने के बाद, 3-4,000 टूटने के बाद वो जो है इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे। लेकिन अभी अगर हम मार्केट देखें, ठीक है, तो 7,000 से भी मान लीजिए अगर मार्केट ज़्यादा ज़्यादा गिरता है तो कहाँ तक जा सकता है, वो भी मैं एक छोटा सा जो है अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता देता हूं। अगर ज्यादा ज्यादा गया तो दोस्तों 7,000 के रेंज में रहेगा मार्केट। ठीक है, 7,000 के रेंज में रहेगा, या तो दोस्तों 7,500, या तो दोस्तों 6,500। ठीक है, या तो 6,500, इस रेंज में दोस्तों मार्केट रहना चाहिए। ठीक है, इस रेंज में तो वो सोच रहे हैं कि यहाँ जो दो मार्केट बॉटम बनाएगा तो इस जगह पे उनको क्या है खरीदारी करना है, इसलिए वो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए जो है तैयार पहले से ही है। तो इस वजह से दोस्तों मार्केट में आपको थोड़ा सा शॉर्ट रिकवरिंग देखा यहाँ से यहाँ तक की, तो इसमें आपको क्यूरियस होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ भी थी और कुछ वजह भी नहीं था, थोड़ा बहुत बाउंस बैक और रिकवरी देखा गया। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको अभी और भी वेट करना चाहिए जिससे आपको और भी नीचे आपको टाइम मिले, तो और नीचे से आप स्टॉक को खरीदोगे तो और अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा। सोचिए अगर आप यहाँ खरीदोगे तो यहाँ तक मान लीजिए मार्केट चला जाएगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आपने यहाँ खरीदा तो यहाँ से आपको डबल प्रॉफिट होगा। देख लीजिए ये कितना है इतना, और ये कितना है दोस्तों इतना बड़ा, तो सोच लीजिए आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मेरे हिसाब से अभी आपको रुकना चाहिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा, और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।